अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सईद उमर फारूक। अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की एपिसोड ये बहुत शॉर्ट होगी, एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन है जो कंसिस्टेंटली कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी को उमरा पर जाने के लिए वीज़ा ना मिल रहा हो तो उसके लिए हम क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम कंसिस्टेंटली ऐसे पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में ना हम जुगाड़ लगाने की कोशिश करते रहते हैं, बट इसका एक और तरीका भी है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज़ आई एम श्योर मेरा ही चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा जी। तो दोस्तों अगर किसी को उम्रे का वीज़ा ना मिल रहा हो और वो चाहता है कि यार मैंने उम्रा हर हाल में अदा करना है, किसी की ख्वाहिश है, तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेट वे क्या है, उसके उसका और क्या तरीका कार है कि आप किस तरह से उम्रे की सआदत आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट वे ये है कि अगर आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है या अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है कि घूमने फिरने वाला वीज़ा जो है वो मिल जाता है, तो फिर आप उम्रा कर सकेंगे। ठीक है, तो वो अबशर एक ऐप है, उस पर आपको पहले जो है वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि जनाब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मौजूद हूँ, मैं विजिट वीज़े पर हूँ, तो मैं भी इस तरह का वीज़ा चाहता हूँ कि मैं उम्रा अदा कर सकूँ। तो ये वहाँ पर एक सहूलत मौजूद है। देन आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उम्रे के लिए वो एतमरना ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इन दोनों ऐप्स पर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, तो अगर आप विजिट वीज़े पर या टूरिस्ट वीज़े पर सऊदीया गए हुए हैं या आप किसी और वे से सऊदीया गए हुए हैं काम करने के लिए, तो अगर इन दोनों पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आप उम्रा अदा नहीं कर सकेंगे। देन ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो आपको वैक्सीनेटेड होना चाहिए कि आपकी जो, मैं पहले भी वैक्सीनेशन पे वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा कि अगर आपने चाइनीज़ लगवाई हुई है वैक्सीन तो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, उम्रा अगर आपने बूस्टर शॉट लगवाया हुआ है फाइजर का, मॉडर्ना का या कोई भी और अमेरिकन वैक्सीन है या एस्ट्राजेनेका है वो लगवाई हुई है, बूस्टर शॉट लगवाया हुआ है, तो फिर आपको इजाज़त मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपने अमेरिकन वैक्सीन लगवाई हुई है और उसको 6 से 7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो भी आपको शायद इजाज़त ना मिले, आपको बूस्टर शॉट लगवाना ही पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसके लिए आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें थी। तो ये अगर ऑल्टरनेट सोल्यूशन आप पूछना चाहते हैं तो ये एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आपका कोई वहाँ पर रहता है, आपका कोई हस्बैंड रहता है, आपकी वाइफ रहती हैं या आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आप उनसे मिलने अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप वहाँ मिलने के लिए विजिट वीज़ा ले लें, तो उसके बाद फिर आप जो है उम्रा अदा कर सकेंगे। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।